ये बात सुन के मेरे अम्मी अब तो बहुत खुश होंगे वैसे यार हाँ ना यार ठीक है ना कुछ करते हैं ना कुछ करते हैं ना लेट्स लेट्स गाइस गाइस हाँ <laughs> ऐसे दूंगा भाई, ऐसी बात नहीं है और हाँ, अगर खाना अच्छा लगेगा तो मैं अपने निकाह में हमारे निकाह में जो है, नहीं नहीं हो रहा है भी हमारे निकाह में।, में जो है हम खाना बनवाएंगे और पैसे भी देंगे ठीक है और प्रमोशन भी कर देंगे ज्यादा तो नहीं बोला मैंने

ट्रांजिशन में खाने को मंगवाए ऑलराइट hmm. right. आज कौन सी ट्रांजिशन करनी क्लैप करें क्लैप हां चल 3 2 आ ये वैसे हाई ये हाई फाइव्स था नहीं में मैं तो यू करना चाह रही थी अच्छा ओके चलो ओके सो वी हैव मोमोस वंस अगेन बट फ्रॉम प्लेिंग्स फूड कंपनी फूड कंपनी हमारे पास फोक नहीं है फोक प्रोडक्शन दिस इज लोग बोलते ना जोड़े आसमानों पे बनते हैं

लेकिन पहले आप खाएगा नहीं आप आप खा ले मेरा पेट भर जाएगा <laughs> चल आप खाए ना दोनों okay. साथ खाते हैं इंटरेस्टिंग हम्म hmm, ये डिफरेंट है क्यों मजे क्या निकल क्या मोमोज भी अलग-अलग फ्लेवर्स आते हैं मतलब आपके हाथ के टेस्ट पे भी डिपेंड करता है आई लाइक इट हम्म वेड मज़ा अच्छा लगा आपको कैसे लगा ये मुझे लगता है कि इसका कोई दूसरा सॉस होना चाहिए हाँ थोड़ा लेस स्पाइसी ना सॉस के बगैर ट्राई करना आई तो लाइक इट ये इसके साथ मत खाना ये थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी ज़्यादा लग हाँ रहा है वैसे स्पाइसी है काफ़ी मुझे पानी की ज़रूरत है लेकिन मोमोज बहुत मज़े के अच्छे मोमो की निशानी होती है ये जो रैपिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और अगर आप देखें इसकी रैपिंग बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि स्टीम होता है अगर इसकी रैपिंग थिक होगी तो कच्चा कच्चा फील होता है सो दिस आई थिंक उस हिसाब से परफेक्ट और मैं अपना अगर फीडबैक दे दूँ अगर तो इसको इस चिली ऑयल के साथ मैं नहीं खाना पसंद करूँगा मैं तो डायरेक्ट खाऊँगा या इसके साथ गार्लिक सॉस अगर हो बहुत बाप लगेगा मेो गार्लिक मेो नो

टेस्ट बिल्ड हो जाएगा। अगर ये अच्छा नहीं लगता तो मैं कसम से बोल देता कि बेकार है बट ये बेकार नहीं है ये आप ऑर्डर कर सकते हैं आप खा सकते हैं आपके हाँ है। आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे और मुझे सिर्फ ये सॉस समझ नहीं आई स्पाइसी ज़्यादा है ऐसी होती है चिली ऑयल लेकिन या तो आपने डिप बहुत ज़्यादा कर दिया मतलब मुझसे बर्दाश्त हो रहा है मतलब मुझसे मिर्ची बर्दाश्त नहीं होती है तो नहीं मैंने ज़्यादा डिप कर दिया खैर एनी गुड वर्क अब हम नेक्स्ट खाने की तरफ बढ़ते हैं ओके तो जी हमारे पास आ गई हैं आयशा द किचन हॉलिक की तरफ से सिंगापुरियन राइस सिंगापुरियन राइस वाओ ओके सिंगापुरियन राइस कहाँ की जात नॉट सिंगापुर दैट्स फॉर श्योर सिंगापुरियन राइस तो उन लोगों को पता भी नहीं क्या होता है <laughs> 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 तो इसकी शक्ल से आप देख सकते हैं काफी गार्निशिंग की हुई है भी बिल्कुल गर्मा गर्म है बट मुझे लग अच्छा है ये ये एग्जैक्टली स्पाइसी भी लगते हैं ये मेरे को लिटरल स्केप्टिकल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम थोड़ा बारबेक्यू का भी टेस्ट आ स्मेल आ रही है हम्म वैसे आपको सिंगापुरियन राइस पसंद है मुझे सब चीजें पसंद है मैंने बहुत कम खाए हैं जिंदगी में नॉट बैड कैप्सिकम्स का टेस्ट ना बहुत एनहांस कर रहा है मैंने इसको जज नहीं कर पा रहा फॉरेन फॉरेन मैं मुझे मुझे मजा मजा आ ब्लेंड ऑफ वो ना हां आप बता आप क्या कहेंगी मैं कहूंगी मैंने वो उसके खाए काशिफ फूड्स के आपने खाए वो बड़े फेमस हैं इट्स सिमिलर टू दैट नो It is no काशे फूड से ज्यादा अच्छा है Really hmm. मैंने खैर काफी बहुत टाइम पहले खाए थे but वो काफी famous है एंड इट्स वेरी बैलेंस्ड इट्स नाइस बहुत जो लग रहा था कि बहुत मिर्ची है नहीं है हां सिर्फ डराने के लिए जो है ना ऐसी गार्निशिंग है इसमें मिर्ची नहीं है लास्ट टाइम मैं स्टील के ग्लास में पानी पी रही थी अभी कांच का हां क्यों है पता है नहीं कहां है स्टील का ग्लास लेकर आओ हम सादा लोग हैं स्टील का ग्लास स्टील का ग्लास लेकर आओ भाई आई

इसको और मिक्स कर लेते हैं मेरे ख्याल से पहले हम खा रहे हैं भाई मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ आज आपकी जजिंग स्किल्स वीक हुई हैं नहीं मुझे कुछ अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया जिसको मैं बोलूँ कि मैं पागल हो गया हूँ खा मतलब सारी चीज़ें ना मतलब ये चल रही है मतलब ग्राफ है ना अभी ये स्टेगनेंट है ये 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 इट्स नॉट अ चाउमीन चाउमीन इट्स लाइक अ पास्ता और अगर आई थिंक वाइट सॉस में होता तो

ठीक है इस पे एंड इट्स गुड अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले इट्स एक्चुअली गुड एक दफ़ा खाने के लिए मैं इसको बार बार ऑर्डर नहीं करूँगा मैं बार बार नहीं खाऊँगा तो मैं इसको पाँच दूंगा मेरी तरफ से आई एम रियली सॉरी बट आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट राइट नाउ मैं कोई ऐसी चीज़ ज़बरदस्ती की जो ना मुझे बोलता अच्छा नहीं लगता बट येस yes, इसको और बेहतर करें और इसमें मुझे फ्लेवर्स जो है ना वो थोड़े पॉपअप नहीं हो रहे और बेहतर हो सकता है क्योंकि मैंने खाएँ अच्छे अच्छे भी खाएँ तो मेरी तरफ से पाँच नंबर है कोशिश करें इसको मज़ीद बेहतर करने की एंड वंस अगेन ये मैं चिकन फिर ढूंढ के मैंने निकाल लिया चिकन की मैरिनेशन इज़ वेरी गुड ठीक है जी नेक्स्ट ये अब तक आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे जो है ना मज़ा नहीं आ रहा है तो मज़ा आ रहा है ऐसा नहीं है मुझे मज़ा आ रहा है खाना खाने में आई लव फूड अच्छी चीज की तारीफ करनी चाहिए और na, बुरे और अगर कोई चीज बुरी हो बुरी नहीं या उसमें कुछ कमी पेशी हो, तो उसकी करनी हाँ, चाहिए the, uh, exactly. देना अच्छी बात इनमें से कोई भी खाना ऐसा नहीं था मतलब, तो खाई नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, नहीं था मतलब ये नहीं था ये नहीं था मतलब एक दफा खाऊंगा अच्छा मैं तो खाऊंगा ओके okay, कौन है भाई शेफ अंडरस्कोर हादी अंडरस्कोर ग्यारह सौ क्या भेजा इन्होंने चिकन, चिकन मंडी, कोरियन फ्राइड चिकन कोरियन फ्राइड चिकन इज यूजुअली स्पाइसी तो मुझे नहीं पता हां ओ ओ तो स्पाइसी तो मैं खा लेता हूं जबरदस्ती का ऐसे मार चले खाएं किससे आप कोरियन फ्राइड चिकन से शुरू करें आप cuz लाइक ये मैं शायद ना खा पाऊं cuz आई लव स्पाइसी फूड अपने में से एक छोटा सा टुकड़ा मुझे दे दीजिए

बहुत अच्छी स्पाइस अगर ये क्रिस्पी होते तो क्या क्रिस्पी हो नहीं, नहीं नहीं हम हमने लेट शुरू किया ना हाँ। हमारी गलती ये दे, देवर क्रिस्पी लेकिन मैं इसको सॉगी खा रहा हूं तब भी इनको तब भी सोचे हम उंगलियां चाट रहे हैं हां वेरी गुड बेटा कीप अप कीप अप कीप इट अप मंदी खाता है लव मंदी सॉस होने चाहिए थे मंदी के साथ सॉसेस होते हैं राइट हां मंदी का टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन चावल थोड़ा सा अंडरकुक्ड है

Basic बहुत बेसिक सादा खुशबू सा लग रहा है इट टेस्ट रियली गुड इट्स एक्चुअली रियली गुड थोड़ा चावल अगर हो ये अगर तुम दे देते ना तो वो समझो तुम 10 में से 10 अभी लेके बैठे हुए होते हैं। 10 में से 8 सेम 10 में से 8 सेम गुड 8 कीप अप द गुड वर्क नेक्स्ट खाने की तरफ बढ़ते हैं यार कहाँ से है खाना मैं कहाँ से खाना आया था बेसिकली वो मैंने फ्राइज खा चुका हूँ

वेरी हैंडी वेरी गुड मैसी होगा मैसी शायद ना ना चाहिए। हो मेबी इज दैट फेस इट कैन ईदर बी या तो बहुत अच्छा रिव्यू आने वाला है या बहुत बुरा और जानी क्या हाल है यार इट्स फाड़ू इट्स गुड अगर ये घर का बना हुआ बर्गर पैटी है तो इट्स वेरी गुड सॉस कुछ अलग सी है ना हाँ सॉस इन्होंने जो सॉस में कुछ कारनामे इन्होंने अंजाम किए हैं I like it. You like it? ना? Hmm. और अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है जिंगर्स बहुत ऑयली होते हैं ओके okay, तो भाई हमने खाया ये तुमने स्टील का गिलास यूँ क्यों किया होता है वॉज दैट <laughs> नहीं क्या पता नहीं थी? ये क्या किया तुमने ये ये क्या था, ये क्या, था, था रही है? ये क्या कर रही हो तुम <laughs> तो भाई अगर तो ये बर्गर आपने घर में बनाया है तो इट्स वेरी गुड अच्छा और अगर तो आपने बर्गर पैटी बाहर से खरीदा है और उसको बन में डाला है और उसमें सॉस उस अपने डाल के भेजा है तो फिर सॉस भी अच्छा है तो दोनों कंडीशन में मैंने आपकी तारीफ कर दी है क्योंकि मुझे अच्छा लगा

मैं आप को दिखाना भी चाहती हूँ क्योंकि ये ये किसी रेस्टोरेंट का टेक अवे लग रहा है कि आप किसी रेस्टोरेंट हाँ, से निकलो और इस तरह का आप घर हाँ, ये एरिजोना ग्रिल का मुझे टेक अवे लग रहा है आप गई हैं एरिजोना ग्रिल हाँ इतनी आप... भी छोटी नहीं हूँ मैं ये सॉस भेजी दिस इज अ डेस्पेराडो सॉस एंड दैट्स शेजवान सॉस ये दोनों स्टेक्स भी अलग अलग हैं एक दूसरे से मैं बस वो करना चाह रही थी ये चिकन है बीफ है दोनों चिकन है बट आई थिंक एक इज सम बारबेक्यू ओके 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 वेट वेट एंड इट्स आल्सो सेंड राइस दो दो राइस भेजे हैं अगर एक भी भेजती तो हमें मसला नहीं था यार टेंशन की बात नहीं है ठीक है जी ये आ गया हमारी स्टेक छुरा द अज़लान इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट हिज स्टेक्स और बहुत पसंद करते हैं स्टेक यस सर सो हैव इट विद द सॉस अच्छा देखें ये खाने से पहले मैं बता दूं कि मैंने नुसरत के स्टेक से लेके एरिजोना ग्रिल जो बंद हो गया स्टेक सी एफ यू मतलब मैंने जगह जगह का लाहौर में गाउचोज मतलब हर जगह मैंने स्टेक खाया हुआ है तो इसको मैं उस लेवल का जज नहीं करूँगा ये मैं पहले से बता दिया मैं वरना होम हो, होम, होम बेस के हिसाब से मैं जज करूँगा तो यस पहले थोड़ा इश्तेहार देना मैंने जरूरी समझा था वाइट और अब तो डुबा दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओके जो वाइट सॉस इज एक्चुअली गुड इट्स गुड इट्स गुड इसमें सोया सॉस डाला हुआ है आई थिंक है ना खा के देखो है ना खा के देखो खा के देखो खा के देखो बारबेक्यू सॉस नहीं बारबेक्यू सॉस नहीं सोया सॉस है सोया सॉस हो सकता है राइस के साथ खाए नहीं <laughs> यार नहीं मतलब मुझे राइस का नहीं खाना हूँ एक डायरेक्ट खाना मैं राइस से क्यों का क्यों खाऊ मुझे खाना है खा लो यार आपके लिए जान हाजिर है ये ले ये लो गुड ये लो उबले हुए चावल हम्म hmm. कुछ थोड़ा सा ओवर पावर है लेकिन अच्छा है अभी वाला ट्राई करें यस वन थिंग बहुत ज्यादा सोया सॉस डाल दिया ये जो भी सॉस है बहुत ज्यादा क्योंकि अब वो खट्टा खट्टा वो तो, <laughs> वाला टेस्ट आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे कुछ खट्टा खट्टा सा फील हो रहा है तो सॉस के साथ अगर मैं खा रहा हूँ उसको डिप करके एक सेकंड एक सेकंड सॉस के साथ अगर मैं डिप करके खा रहा हूँ तो मुझे फील नहीं हो रहा लेकिन अगर मैं डायरेक्ट खा रहा हूँ तो मेरे लग रही है क्या कहती हैं खूबसूरत लग रहा है ओहो आपसे ज़्यादा नहीं यार हम्म वाह ओके ओके वेट 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 आप और उसके साथ खाएं शेजवान one. कितने नंबर देंगे आप? Seven on ten. Same. It's good. थोड़ा flavours थोड़ा सा ना like with the seasoning. हम्म. उसमें थोड़ा सा हल्का हाथ रखें वरना बहुत मजा का ये ना आपने जज्बात में मेरे ख्याल कुछ कम ज्यादा कुछ करके बना दिया उन्होंने स्टेक बनाना स्टेक स्टेक बना दो

लेकिन बाकी आपके सॉसेस की ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था इंग्रेडिएंट्स सब कुछ बहुत अच्छा है और ये ग्रिल्ड जो बगैर वो ब्लैक सॉस वाला स्टेक था ये वाला ये बहुत अच्छा था और आपके सॉस बहुत अच्छा है सॉसेस बहुत मैं घर पे बैठ के ये ऑर्डर नहीं करूंगा स्टेक ऐसी चीज़ है जो बंदा जाके खाता है, सो आई वांट कि आप अपना रेस्टोरेंट खोलें। सही था? दुदु। 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 सही था। तो इसी Mark बात पे हाँ मार्क्स दे चुके हैं साथ दिए थे ना हमने हाँ सेवन तो साथ ही रहेंगे इन्शाल्लाह साथ ही रहेंगे खैर एन्नीवे दूसरा खाना हम खाएंगे इसी बात पे नेक्स्ट जो हमारे पास है है हाँ बहुत महंगा पैकेजिंग है ऐसा लग रहा है यूएसए में जो दूध की बोतलें नहीं आती लबन सॉल्टेड ओके okay, अच्छा मैं एक बात बोलू मैंने लबन प्लेन आई गो फॉर द प्लेन आई विल गो फॉर द नहीं मैं लबन बेस मैं सच बात बोलूं मैं लबन नहीं पिया लब मुझे पसंद नहीं है इज इट इज इट लबन और इज इट it लबन इट्स लबन आई डोंट नो मैन लबन 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 है है या लब लबन है, जो भी लबन है है फ्रूटीज़ फ्रूटीज़ ने भेजा है, और अल्लाह ताला तुम लोग के कारोबार में बरकत डाले इनका मैंने कमेंट भी पढ़ा था कि इनकी अपनी खेती बाड़ी है पता अच्छा, ये अपने फल फ्रूट उगाते तो हैं तो है, अगर बोल भी देंगे तो मुझे मानना पड़ेगा यूएई साइड में लस्सी को ऐसे मोटी स्ट्रॉ बहुत अच्छे है तुम लोगों ने मोटी और गुलाबी वाली मुझे दे दो इसमें थिकनेस चेक कर रहे हैं इसकी नहीं झाग है वो अज़लान मुझे नहीं पसंद ये मैं क्या लबन ही पसंद छोड़ दो मैं पी लेता हूं लेकिन वो उसके लिए तो ट्राई करना किसके लिए नहीं, नहीं, नहीं मत पियो कोई बात नहीं ट्राई कर लेता हूं शायद रहता जैसा ओ नॉट बैड देखो मैं पहली दफा पी रहा हूं और मैं लबन पीती नहीं हूं लेकिन ये सॉल्टेड मजे की है ये दही है अच्छा साहब आप मेरे मजे का है यार लिटरली ऐसा लग रहा है गर्मी हो बहुत ज्यादा उसमें आप ये पियो आपको बहुत अच्छा लगेगा ट्राई <laughs> <चाहे> करें <है। laughs> ले क्या था व्हाट द हेल दही नहीं पसंद मुझे दही है ना

अच्छा चलेगा लबन मतलब यू you नो know, सारे फ्रूट फ्रूट प्लेटर हो और उसमें जो है ना एक स्मॉल लबन बॉटल हो हाँ लेड़ या अगर बड़ी बॉटल भी हो तो ये चलेगा मुझे नहीं पता इसकी मार्केट क्या है मुझे नहीं पता कि आवाम पीते है नहीं पीती लेकिन अगर तो पीती है तो लाजमी ऑर्डर करना भाई आप लोग फ्रूटीज का खुद जज करो है कैसा नहीं है वरना अगर तुम फ्रूट्स के साथ अगर ये भेजोगे ना लबन प्लेन या लबन सॉल्टेड अच्छा चलेगा सॉल्टी मुझे स्टार्ट में अच्छी लगी लेकिन सॉल्टी थोड़ी ज़्यादा सॉल्टी हो गई और सिंस मुझे लगता है कि शायद मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो मुझे सॉल्ट शायद सोल्ट हाँ नहीं कभी कभी मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ, हुआ है नहीं नहीं मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा गुस्सा बहुत आता है मुझे आपकी सिलेक्शन हो गई है प्लेन अच्छा है ना प्लेन दे दो मुझे इसी बात पे इसमें कुछ सॉल्टी नहीं लगा भी हल्का ये प्लेन है पूरा पीऊंगा लो फैट है लो इज इट लो फैट लो फैट तो अच्छा खैर वैसे ही मेरे टायर बन रहे हैं मुझे ना वो वो आ रहा है जब बच्चे दूध पीने के बाद करते हैं उनके मुंह से दही निकलती है उसकी प्लीज उसको दूर कर दें ओके फ्रूटीज गुड वर्क एंड आई रियली लाइक द बॉटल मैं मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन पे मार्क्स दूंगी 10 ऑन 10 क्योंकि मैं लबन पसंद नहीं करती अब आप टेस्ट पे मार्क्स और क्वालिटी पे दैट्स आल्सो 10 ऑन 10 हां सादी आदम ने अच्छा पैकेजिंग में एंड स्ट्रॉ वगैरह सब मिला के मैं आपको देता हूं 10 में से 10 टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो प्लेन वाले दही की मैं प्लेन वाले लबन की मैं मार्क्स दूंगा आपको छः एंड सॉल्टेड वाली लबन के मैं आपको दूँगा चार कम हो तो थोड़ा चार दूंगा, दूंगा चार दूंगा क्योंकि आखिर में सॉल्ट मुझे लड़ाया हाँ जो हो सकता है मैंने भंड मारो शायद मैंने शेक ना किया हो क्योंकि मुझे पता है शायद मुझे कोई ये बोला में आपने शेक नहीं किया ना इसलिए सॉल्ट सॉल्ट ज़्यादा था हो सकता है हो सकता है दस ले लो भाई फिर नंबर हाफ दस ले लें आप बट मैं मेरी तरफ मुझे यू नो लबन मेरी तरफ से यही था ठीक है जी नेक्स्ट लेकर आए